जो कि मैं राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और कांग्रेस संगठन से भी जुड़ा हूँ, कांग्रेस संगठन विभिन्न पदों पर रहा हूँ, तो मेरा 15 साल का मैं क्षेत्र में पूरा दौरा कर रहा हूँ। तो यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता तो सब पहचानते साथ में जो ग्रामीणों से मेरा परिचय है, मुझे हर जगह बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और भाजपा के खिलाफ जो माहौल पूरे प्रदेश में है, उससे भी ज़्यादा माहौल हमारे कटोरा विधानसभा में। जहाँ जहाँ ही मैं जाता हूँ, सभी कांग्रेस जन गाँव का मैं चाहते हैं कि यहाँ इस बार कांग्रेस सरकार बने और कटोरा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक बने। विकास हुआ है वो सिर्फ भ्रष्टाचार युक्त विकास हुआ है। इन्होंने निर्माण कार्य तो कराया है, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार उसमें ज़्यादा है। इन्होंने ज्यादा सीसी रोड बनाया हो, नाली बनाया है और भवन बनाया हो, और सिर्फ वही कामों को इन्होंने किया जिनको ज़्यादा कमीशन मिला है। कोई दूर गाँव में सोचे कि नहीं योजना में ना कोई सिंचाई के लिए कोई बड़ी सुविधाएँ नहीं है, शिक्षा के लिए कोई कॉलेज या ITI या जो भी जो बड़े काम होना चाहिए दूर गाँव में, जो सत्ता वाले पद में है बैठे हुए उनके भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, जो काम के सिर्फ कमीशन के छोटे छोटे काम कराए हैं। पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा? प्राथमिकताएं तो कई हैं, क्योंकि क्षेत्र भी बड़ा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ SCL का है, नौकरी मुआवजा पुनर्वास का है, शिक्षा के लिए अच्छे संस्थान हो, हमारा हरदी बाजार एक ब्लॉक बने, और हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है कोरबा एक कटोरा जिला बने। जिला बनने से सर्वांगीण विकास कटोरा का होगा। खाद बीज दवाई और सिंचाई, भाजपा सरकार ने 15 सालों में सिंचाई के लिए 1 इंच भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराए। हम कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि सिंचाई की सुविधाएं मिले, जिससे किसान छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध हों, खुशहाल हो सके। आपको एक बात मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ के किसान अभी धान नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि राहुल गांधी ने बोल के गए हैं कि हमारे सरकार बनने पर हम आपको बोनस भी देंगे, आपके धान भी अच्छी रेट में लेंगे, तो किसान इंतजार कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? भाई, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा है किसानों का कर्जा माफ़, जिन्होंने भी सोसाइटी से कर्जा लिया उनका कर्जा माफ़ होगा, और बिजली बिल जो जाता है ज़्यादा आता है वो हाफ होगा, और समर्थन मूल्य का उन्होंने कहा है कि 2500 रुपये हम प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देंगे और लगा हर साल बोनस देंगे, और पिछला जो बकाया बोनस है 2 साल का उसको भी हम किस्त में देंगे। देखिए, बेरोजगारों की संख्या 50 लाख से अधिक है, और 10 लाख युवाओं के लिए तो हमने वादा भी किया कि उनको कुछ ना कुछ उनको मदद करेंगे, सहायता करेंगे, उनको हर माह 2500 रुपये प्रति माह उनको सहायता के लिए रोजगार खोजने के लिए प्रयास करेंगे, उनके लिए जो खर्चा हो तो उसके लिए उपयोग करेंगे, और जो भी स्थानीय जो युवक हैं पढ़े लिखे उनको जो स्थानीय कल कारखाने पावर प्लांट है उनमें अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ लोगों को प्रशिक्षण देकर यहाँ रोजगार देने का प्रयास करेंगे। उस मात्रा में चांस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार 15 सालों से है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवकों के लिए कोई ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है कि वहाँ के नौजवानों को प्राथमिकता मिले। कांग्रेस सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से ऐसे नीति बनेगी, नियम बनेंगे कि छत्तीसगढ़ के 75% 80% युवाओं को यहाँ स्थानीय जो भी कल कारखाने पावर प्लांट है जो भी वहाँ उनको रोजगार अधिक संख्या में प्राप्त हो।